हे गाइस, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना करें। नमस्ते एंड वेलकम टू माय किचन वेयर एनीवन कैन कुक। आई एम आई श्योर आज के इस एपिसोड में मैं बना रही हूँ चने की दाल वाला साग, जो टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी और पावर पैक्ड है। तो चलिए आज की इस इजी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। साग बनाने के लिए प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है। चने की दाल को अच्छे से धोकर 30 मिनट के लिए भिगो कर रखा है और पालक को अच्छे से धोकर बारीक बारीक काट लिया है। अब साग बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कुकर में डालेंगे ऑयल, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। तेल गर्म हो जाए तो डालेंगे प्याज, साथ ही में बारीक कटी हुई अदरक सौते करेंगे। थोड़ा सा नमक भी डालकर मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज जल्दी भुन जाए। जब प्याज का कलर चेंज हो जाए या प्याज ब्राउन हो जाए तो डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, हरी मिर्च मिक्स करेंगे। अब डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला है इसलिए ध्यान से। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और मिक्स कर लेंगे। इसे मीडियम हीट पर भूनेंगे। जब टमाटर थोड़ा सा मूशी हो जाएगा तब भीगी हुई दाल भी पानी से निकाल कर डाल देंगे और अच्छे से भूनेंगे। 5 मिनट तक इसे भूनने के बाद पालक भी डालकर भून लेंगे। और अब थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लेंगे और अब कुकर को ढक्कन लगाकर इसे पहले 2 विसल आने देंगे और विसल आने के बाद इसे करीब 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देंगे, यानी कि सिम पर रखेंगे। 20 मिनट के बाद गैस बंद कर देंगे और सीटी का प्रेशर अपने आप निकल जाने पर ही कुकर का ढक्कन खोलेंगे। तो अब इसे स्टर कर लेते हैं और किसी मधाणी या विस्कर से अच्छे से मैश करेंगे जब तक पालक, दाल और पानी अच्छे से होमोजेनियसली मिक्स हो जाए और बढ़िया पीस कर हमारा साग तैयार हो जाए इस तरह से। तो अब पैन में डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। घी गर्म हो जाए तो डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन हल्का ब्राउन हो जाए तो थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालकर सौते करेंगे और गर्म तड़के को हमारे साग के ऊपर डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। साग बहुत पतला नहीं होना चाहिए, साग की कंसिस्टेंसी गाढ़ी होनी चाहिए, लाइक सो। अब इसे गर्मा गर्म सर्व करें भुग्गे चावल और टूक आलू के साथ। यम। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट्स फ्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।